हैं कार्बोहाइड्रेट के, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना स्ट्रक्चर जो है रिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं, आप कभी देखे होंगे कार्बोहाइड्रेट का इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, कहा गया इस तरह का, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, कभी देखे हो ऐसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का? Yes, sir. तो ये रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्यों बनता है, कैसे होता है, वो स्ट्रेट चेन में होता है, इसमें क्यों होता है? तो एक टर्म था, लोग कैसे सोचे कि इसमें जो है यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है? तो लोगों ने उस समय पहले क्या किया था ना, पहले देखा कि ग्लूकोज है, जैसे मान लो ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज है, हमने डी और एल आइसोमर्स बताया था, तो डी ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज तो डी ही फॉर्म में रहेगा, तो अब इसका कोई आइसोमर्स तो होना नहीं चाहिए था, है ना, इसका आइसोमर्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब डी ग्लूकोज को भी हम ऑप्टिकली उससे लाइट पास करते थे, तो हमें दो तरह के फॉर्म मिले। एक ग्लूकोज जिसमें हमारा जो है ना रेस को 18.7 डिग्री पे मोड़ देता था, दूसरा है आपको मोड़ता था वो 112 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, सॉरी सेंटीग्रेड एंगल पे, सेंटीग्रेड नहीं बोलना, एंगल बोलना है, ठीक है? तो और अगर दोनों का मिक्सचर रहता है ना, तो मिक्सचर रहता है तो वो 52 पे ये कर देता है, डेविएट कर देता है 52 पे, तो डेविएट कर देता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ठीक है? तो देखा गया कि अगर मिला ऐसा सॉल्यूशन था ना, इसमें ये 36% पाया जा रहा था, ठीक है, इसमें ये 64% पाया जा रहा था, ठीक है? तो ये दोनों का एवरेज निकाले दो, तो ये बोला गया कि दो फॉर्म फिर भी डी ग्लूकोज का पाया जा रहा है, ठीक है, दो फॉर्म ग्लूकोज का फिर भी पाया जा रहा है। चूंकि अब स्ट्रक्चर हमारा लीनियर स्ट्रक्चर था हमारे पास, और कार्बन मॉलिक्यूल उसके थे, तो अब अलग अलग तो हमने नाम रख रखा है, मैनोज ग्लूकोज गैलेक्टोज सब रख रखा है। अब ग्लूकोज में या तो ये वाला इधर आएगा या इधर जाएगा, डी या एल फॉर्म आएगा। अब डी और एल फॉर्म तो है ही, लेकिन हम डी ग्लूकोज में फर्दर देख रहे हैं कि हमारे आइसोमेरिज्म पा रहे हैं, ये आइसोमेरिज्म के ही कारण होगा ना, कि ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन जो अलग अलग हो रहा है, ओके, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ रहा है ऑप्टिकल इसको, तो अलग अलग हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो ऐसे इसको उसने म्यूटर रोटेशन नाम दिया। लेकिन क्यों हुआ ये म्यूटर रोटेशन? तो म्यूटर रोटेशन भी एक तरह का आपको आइसोमेरिज्म था, तो बोला गया कि डी ग्लूकोज में भी एक तरह का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो आप कौन सा आइसोमेरिज्म है भैया, लीनियर चेन में तो हम इसको क्लियर फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए बोला गया कि ग्लूकोज जो है पायरानोस या फ्यूरानोस फॉर्म में, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, तभी वो आपको उसमें हमारा आइसोमेरिज्म हो सकता है। कैसे? मान लो ये ग्लूकोज के आपको है, तो अब इसमें तो सबका ऊपर नीचे रहेगा ना, जो जहां पर जैसे था, लेकिन यहाँ पर वाला में अब जो है देखो, तो अब 1, 2, 3, 4, 5 ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर फ्यूरानोस है, यहाँ पर CH3CO ग्रुप रहता है, तो ये और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं रहता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ये पायरान का स्ट्रक्चर बताया गया है, ऐसा एक कंपाउंड जिसमें 6 एटम हो लेकिन 1 एटम ऑक्सीजन हो, वो कहलाता है पायरान, ग्लूकोज नहीं, ठीक है? उसी तरह 5 रिंग का स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन हो, 1, 2, 3, 4 कार्बन हो, 1 ऑक्सीजन हो, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फ्यूरान, ठीक है? तो बोला जाता है कि ग्लूकोज या फिर जो 5 से ज्यादा रिंग वाला कंपाउंड है, ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हैं पेंटोज 5 कार्बन का है, ठीक है, तो कम से कम 4 कार्बन तो होना ही है, तो फ्यूरान होने के लिए कम से कम 5 कार्बन होना ही है, तो 5 कार्बन से ऊपर वाला कंपाउंड जो है आपको पायरान और फ्यूरान दोनों स्ट्रक्चर बना सकता है, और बाकी फ्यूरान स्ट्रक्चर पेंटोज बना सकता है आपको, पेंटोज जैसे था ना आपको, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज वगैरह है, तो वो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में पाया जाता है, पायरानोज स्ट्रक्चर में आपको 6 रिंग वाला हो गया, तो ऐसे कंपाउंड बना सकता है। तो इसमें कैसे हो गया, इसमें एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जो एक तरह का रिएक्शन होता है जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। उसमें क्या बोलता है कि एसीटोन या कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो हर ग्लूकोज में हर इसमें शुगर में होता है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन होता है, किसी भी शुगर में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना मस्ट है। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन करके आपको हेमी एसिटल बना सकता है, हेमी एसिटल, एसिटल क्यों, मतलब एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड एसिटल है ना, हेमी एसिटल बना दिया,
और कीटोन अगर रहा तो कीटोन अल्कोहल से रिएक्शन करके हेमिकीटल बना सकता है, ठीक है, हेमी एसिटल या हेमिकीटल, एसिटल इसलिए कि यहाँ पर आर एच नहीं है, ठीक है, तो हेमी एसिटल बना सकता है या हेमिकीटल बना सकता है। तो अब क्या है ना, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल देख लो या कोई भी कार्बोहाइड्रेट देख लो, ठीक है, तो अलग अलग कार्बन है, तो इस कार्बन पे OH ग्रुप होता है आपको और यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो ये दोनों आपस में भी स्ट्रक्चर में भी आपको ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं, तो हेमी एसिटल या हेमिकीटल खुद में भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ये एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड का O जो है और इसका OH, OH यहाँ आ सकता है और यहाँ पर एक O वाला बॉन्ड, ये O जो ये वाला O मान लो बीच में यहाँ आ गया, ठीक है, और ये OH यहाँ आया, या उल्टा कर दो, ये OH को इधर, ठीक है, ये OH हो गया यहाँ पर, तो ये OH यहाँ आ गया और ये इधर आ गया, तो इस तरह से आपको ये बॉन्ड बन गया ना। इसी बॉन्ड को अगर हम लोग आप क्लियर करके बनाओ ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब साइकिल हो गया ना, ऐसे करके देखो तो एक साइकिल बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर सही से अरेंज करो तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये O जो है आपको, पहला कार्बन ये था ना हमारा, पहले कार्बन से O था जुड़ा हुआ, तो ये पहला कार्बन है ना, फिर दूसरा कार्बन ये था, ये दूसरा कार्बन हो गया, फिर तीसरा चौथा, और एक यहाँ पर ये जो ये आपको ये वाला कार्बन यहाँ पर है पांचवा, है ना, और ये कार्बन जो है कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है CH2OH पे, है ना, ये वाला जो है CH2OH यहाँ पर आ गया, तो ये आपको पायरान स्ट्रक्चर बन गया, पायरान बन गया ना, पायरान ओज। और अगर उल्टा है, मान लो कि आपको एक दो तीन चार यहां से नहीं करके इस वाले से बना ले किसी तरह से, ठीक है, ये वाला रिएक्शन यहां से बना ले तो फ्यूरान होगा, या फिर यहाँ पर एसीटोन नहीं है, यहाँ पर आपको कीटोन यहाँ पर रहा, यहाँ पर OH रहेगा, तो ये चार वाला बनाएगा तो फ्यूरान बनाएगा, फ्यूरान बनाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो पायरानोल क्या फ्यूरानोल स्ट्रक्चर बनाएगा किसके कारण, तो वो आपको एक रिएक्शन है जो हेमिएसिटल या हेमिकीटल फॉर्मेशन जो रिएक्शन है उसके से आपको बनाता है पायरान स्ट्रक्चर या फ्यूरान स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से देख लो यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड आपको इस तरह से रिएक्शन करके ग्लूकोज है, तो ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज है। तो अब इसमें एक चीज और हो गया, देखो पहले हमारा ये वाला कार्बन, ये कार्बन नंबर एक जो था वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल नहीं था, नहीं था ना, क्योंकि डबल बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही पायरानोज स्ट्रक्चर में आया आपको, ठीक है, पायरानोज स्ट्रक्चर में आया, तो पायरानोज स्ट्रक्चर में ये आपको बन गया कायरल मॉलिक्यूल। अब जब ये कायरल मॉलिक्यूल बन गया तो अब इसमें भी तो ओरिएंटेशन से फर्क पड़ेगा, तो यहां पर हम एल और डी फॉर्म बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, दाएं बाएं तो नहीं होगा ना, वो साइकिल में क्या ऊपर नीचे अगर है, एक ऊपर चला गया हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, या फिर उल्टा ये दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा कार्बन आपको कायरल मॉलिक्यूल जुड़ गया ना, पहले चार था पांच हो गया, तो अब ऑब्वियसली एक और आपको वो बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे है, तो ऐसे वाले को हम लोग एनोमर बोलते हैं, हम लोग वहां एपिमर्स बोलते थे, है ना, एल डी फॉर्म बोलते थे ना, एल और डी फॉर्म, ठीक है, एपिमर तो दूसरा गया, यहाँ पर एल एंड डी फॉर्म जो था स्टीरियो आइसोमर्स था, या एल और डी फॉर्म नहीं बोलकर के हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोमर्स, ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे एनोमर्स, जिसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन चेंज हो, तो जिसमें हम लोग ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन हो उसको हम लोग बोलेंगे बीटा, और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन नीचे हो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, याद रखिएगा अल्फा ग्लूकोज हो गया, अल्फा ग्लू डी है, डी फॉर्म में था, क्यों डी वाला यहाँ वाला जो लास्ट वाला पांच चौथा पे था ना, चौथा वाला लास्ट जो था या पांचवा, उसका OH जो है चेंज कर रहा था, तो डी ऑलरेडी ये डी फॉर्म का ही था, डी फॉर्म में ही हम फिर आगे गए तो एक एक्स्ट्रा आइसोमेरिज्म मिला हमें, एल में भी मिलेगा अगर हम एल फॉर्म में जाएंगे एल वाला, लेकिन हम डी वाले में भी हैं, तो डी में अल्फा डी ग्लूको क्यों है, ग्लूकोज से बना पायरानोज, क्योंकि पायरानोज का स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसी तरह बीटा डी ग्लूकोज, बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें OH मॉलिक्यूल ऊपर है, तो याद रखिए जब बॉन्ड बनता है तो इस तरह से नाम भी दिया जाता है, ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म आप समझ गए, साइक्लिक जो है आपको पेंटोज या हेक्सोज है, पेंटोज से शुरू होगा, टेट्रोज से शुरू नहीं होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, पेंटोज या हेक्सोज या हेप्टोज के ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे उसका आपको साइक्लाइजेशन पेंटोज से शुरू होगा, साइक्लाइजेशन कीटोज इससे नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि अगर टेट्रोज है ना, टेट्रोज का ये घूम के अपने आप को उतना मॉलिक्यूल बना नहीं सकता है, तो कम से कम पेंटोज होना चाहिए। आपको फ्यूरानोज मिलेगा तो बाद में पायरानोज बन सकता है एक सोर्स से, ठीक है। तो सिक्स मेंबर पायरानोज रिंग है, पायरान बोला जाएगा, ठीक है। तो सी फाइव सी वन में रिएक्शन हो रहा है, आपको पता चल गया था, क्लियर है। तो किस तरह से आपको अल्फा और बीटा बना, कौन कौन सा रिएक्शन हुआ, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज है ये, फ्रुक्टोज में ये इससे बनाएगा तो आपको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अल्फा डी फ्रुक्टोज बोल रहे हैं हम लोग, है ना, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तो अल्फा डी पहला कार्बन पे, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर कायरल नहीं था, लेकिन जैसे ही फ्यूरानोज या पायरानोज स्ट्रक्चर बनाया, ये कायरल हो गया, है ना, चारों बॉन्ड अलग अलग हो गया, तो अब OH के पोजीशन के हिसाब से हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। अगर ये OH ऊपर रहता ये कहलाता फ्यूरानोज, सॉरी बीटा, बीटा फॉर्म है ना, ये अभी अल्फा फॉर्म कहला रहा है। तो ये आपको इरिथ्रोज है, अलग अलग साइक्लाइजेशन होगा जैसे आप उसका नाम दे सकते हो, ठीक है, ये नाम दे सकते हो। न्यू कायरल मॉलिक्यूल सेंटर हुआ था, ये हो गया बीटा, ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा ये अल्फा, दो अलग अलग तरह के नए बन सकते हैं जब साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो साइक्लाइजेशन में क्यों आपको दो फॉर्म अलग मिले, क्योंकि एक नया कायरल सेंटर मिल जाता है साइक्लाइजेशन होने के बाद, ठीक है। तो इसे यही डिफाइन कर रहा था म्यूटा रोटेशन को, क्योंकि यहीं पर जो है अल्फा बीटा फॉर्म होने के कारण आपको साइक्लाइजेशन के कारण जो है अल्फा बीटा फॉर्म बन रहा था, जिसके कारण म्यूटा रोटेशन हो रहा था। म्यूटा रोटेशन डिस्कस किया था क्यों हो रहा था, जिसको हम बता रहे थे कि डी ग्लूकोज ही है, लेकिन वो फिर भी दो अलग अलग तरह के रिएक्शन हो सकते, हो रहे थे लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कर रहा था, तो क्यों, इसी के कारण। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है वो 64% पाया जा रहा था, ठीक है, जिसका रोटेशन होता है 18.7 डिग्री, और अल्फा डी जो नीचे वाला है वो आपको 36% पाया जाता है, लेकिन उसका ये, तो दोनों का एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 36 मल्टीप्लाइड 64 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 36 मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों को जोड़ दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा 52.7 डिग्री। एक्चुअली एग्जैक्ट 64 नहीं होता है, 36.4 64.63.6 ऐसे हो सकता है, तो उसी रेशियो में आ जाएगा आपको 52.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये म्यूटा रोटेशन था, तो म्यूटा रोटेशन के कारण जो है, म्यूटा रोटेशन से पता चला हमें दो तरह के आइसोमर्स और मिलते हैं। तो वैसे आइसोमर्स को हमने क्या कहा था, एनोमर्स, है ना, एनोमर्स, एनोमर्स किसको बोलते हैं आप डिफाइन कर सकते हो। एसिमेट्रिक जो साइक्लाइजेशन में एसिमेट्रिक सेंटर बनता है, उस पर फिर पोजीशन के हिसाब से जो आइसोमेरिज्म पाया जाता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, उसको बोलते हैं हम लोग एनोमर्स। एनोमर्स दो तरह के होते हैं, अल्फा एनोमर्स है, बीटा एनोमर्स। अल्फा एनोमर्स किसको बोलते हैं, जो रिंग के नीचे पाया जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा एनोमर जिसमें रिंग के ऊपर पाया जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये आपको मोनोमर्स के थे, मोनोसैकेराइड्स के। तो मोनोसैकेराइड तो समझ में आ गया होगा, किसी को समझ में आया या कुछ पूछना है तो बताओ, मोनोसैकेराइड्स के लिए बताओ, आ गया सर। मोनोसैकेराइड समझ में आ गया ना, मोनोसैकेराइड में कितने तरह के आइसोमेरिज्म मिल रहे थे, कायरल मॉलिक्यूल किसको, कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, एपीमर्स किसको बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में एल एंड डी फॉर्म क्या है, एनोमर्स क्या है। एनोमर्स जो है वो याद रखिएगा आपको, अल्फा एंड बीटा जो है वो बॉन्ड बनाने में भी याद आता काम आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को उम्मीद है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े तब। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मोनोसैकेराइड्स खत्म हो गया। मोनोसैकेराइड्स क्या था, डिफिनेशन वगैरह सब आप लोग जान गए। अब हमारा आता है डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू। बीच बीच में बोलते रहना बेटा, नहीं तो पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हो जाता है, मुझे पता नहीं चलेगा, हर 10 मिनट में कुछ बोल दिया करना। डाइसैकेराइड जो है, हाँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मुझे कब कट गया बीच में, कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है ना। डाइसैकेराइड का मतलब दो, दो मतलब डाई मतलब टू, दो होता है, और सैकेराइड, सैकेराइड मतलब शुगर के लिए यूज किया जाता है। तो जब डाइसैकेराइड क्या, जब दो मोनोसैकेराइड मिलके एक पॉलीमर बनाए, वो पॉलीमर ही एक तरह का, बहुत पॉलीमर नहीं है, उसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, उसके बाद पॉलीमर,
डाइमर मतलब दो मर्स जुड़े हुए, मर्स का मतलब मोनोमर्स, ट्राइमर्स तीन मोनोमर्स जुड़े हुए, चार मोनोमर्स जुड़े टेट्रामर्स, बहुत सारे जुड़े हैं तो पॉलीमर्स। तो उसी तरह से तो ये एक ओलिगोसैकेराइड था, ओलिगोसैकेराइड बताया था ना, जिसमें दो से नौ या दस आपको मोनोसैकेराइड जुड़ करके स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो डाइसैकेराइड का क्या खासियत है, एक मोनोसैकेराइड है ना और दूसरा मोनोसैकेराइड, एक दूसरा मोनोसैकेराइड जुड़ के मर, तो ये दो है, तो इसको डाइमर बोलेंगे क्योंकि दो मोनोमर जुड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों जुड़ा होता है किस बॉन्ड से, यहाँ पर याद रखिएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, आगे आएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अभी। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है दो मोनोसैकेराइड, तो ये आपको डाइसैकेराइड कहलाएगा। डेफिनेशन, तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल में अगर आपको सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है, और भी है लेकिन जनरली ये आपको याद रखना है, सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज डाइसैकेराइड का। तो डाइसैकेराइड बनता कैसे है, ठीक है, तो डाइसैकेराइड इज फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, जब दो मोनोसैकेराइड आपको जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो एक बॉन्ड से जुड़ेगा, एक बॉन्ड जुड़ता है तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है यहां पर से। ठीक है, बताया था ना एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। तो एक क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है आप लोगों को, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180। ठीक है, फ्रुक्टोज का भी 180 ही होगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर के बना रहा है क्या आपको, लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज नहीं, सुक्रोज। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है। तो बताओ कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा सुक्रोज का, हेलो आवाज आ रही है मुझे मेरी, यस सर। हाँ तो बताओ क्या पूछा मैंने, 340 नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक जो है आपको सुक्रोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का बना होता है। ठीक है, दो के बनने में एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है, तो आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 340 ठीक है। और ये भी है ना, जैसे आपको C6H12O6 होता है ना, C6H12O6 किसका होता है, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का भी। ठीक है, और अगर हम चीनी का आ जाए आपको सुक्रोज का आ जाए तो उसका क्या बोलते हैं, C12 है ना और H22O11 होता है ना, ये वाटर के रेशियो में होगा। तो देखो यहाँ पर सीधे जब दो सुक्रोज एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज मिलके बन रहा है तो यहाँ पर H24 होना चाहिए ना और O12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल की कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि एक जो पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ये बॉन्ड ऐसा बनेगा तो ये बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ता है एक मॉलिक्यूल वाटर के निकलने से तो वहां पर आपको जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे होगा आगे देखेंगे हम लोग कैसे बनता है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ रहा है लेकिन एक मॉलिक्यूल वाटर निकल रहा है या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एक होता है पॉलीमराइजेशन, सीधे जुड़ गया, पॉलीमराइजेशन में कोई मॉलिक्यूल नहीं निकलता, सीधे मॉलिक्यूल जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन कंडेंसेशन में कोई एक मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल और निकलता है जैसे वाटर वगैरह, याद रहेगा आप लोगों को। सुक्रोज सॉरी मिल्क शुगर है, लैक्टोज ये एक डाइसैकेराइड है, आपका टेबल शुगर है जो सुक्रोज है, टेबल शुगर भी बोलते हैं, एक माल्ट शुगर होता है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो है वो भी एक डाइसैकेराइड है, तो तीनों डाइसैकेराइड है। तो ये बनता कैसे है, बनता इस तरह से है, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पर एच होता है, एच के लिए हमने दिखाया नहीं है कहीं पर, जहाँ पर चार नहीं पड़ता है वहां पर एच होता है, तो एच के लिए हमने दिखाया नहीं है। ठीक है, एच है ये मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पर ये बीटा स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन, अल्फा स्ट्रक्चर है क्योंकि पहले कार्बन को एच नीचे है ग्लूको, तो ये अल्फा डी ग्लूको पायरानोज स्ट्रक्चर है, ये भी उसी तरह अल्फा डी ही है क्योंकि इसमें भी ओएच नीचे है। लेकिन अब क्या होता है, पहला और चौथा कार्बन
पहला और चौथा कार्बन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के ठीक है रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर OH-OH रिएक्शन करके एक H2O मॉलिक्यूल निकाल लेगा और यहाँ पर बनेगा O बॉन्ड, एक ऐसा O बॉन्ड बनेगा, ये O जो है ना ये O इस तरह से बनाएगा, देखो तो दिखा ना यहाँ पर ऐसे O बनेगा और एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, निकल गया ना एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऐसा रिएक्शन को हम बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो अब इसको हम बोलेंगे कि ये बन गया दो तरह का, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा है, दो ग्लूकोज जुड़ा है यहाँ, ठीक है, फ्रुक्टोज नहीं जुड़ा है, हमने फ्रुक्टोज रहता तो ये फिरानोज स्ट्रक्चर। तो क्या है देखो, पहला जो ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन, ठीक है, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है तो 1-4, ठीक है, पहला का क्या है अल्फा बॉन्ड है, अल्फा अल्फा बना रहा नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो अल्फा अल्फा एनोमर था ना ये वाला, ये इसका लिए, इसके लिए हम बोलेंगे अल्फा एनोमर, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये एक तरह का बॉन्ड जो बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम है 1-4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मान लो ये OH यहाँ रहता तो ये बॉन्ड ऐसे बनता है ना, ओ रहता और ऐसे बनता है ना, बनता ना, तो इसको हम बोलते हैं 1-4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा क्योंकि यहाँ पर OH ऊपर था लेकिन हमारे इसमें नीचे था तो नीचे है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी यहीं पर आगे एक और रिएक्शन होगा जब आपको ट्राइसाइक्लाइड बनाना, तो ये वाला अगला किसी और से रिएक्शन करेगा यहाँ पर बना जाएगा ये अल्फा, अल्फा ही होगा ना वन, इसका भी अगर चौथा से कभी कभी छठा वाले से भी हो सकता है, 1-6 भी हो सकता है, कभी कभी दूसरे वाले से भी रिएक्शन होता है, 1-2 भी हो सकता है। तो किस दूसरे वाले के किस कार्बन पे है वो वाला डिपेंड कर रहा है, बाद में लिख रहे हैं। तो 1-4 है तो 1 है, अगर इस वाले से रिएक्शन क्या रहता है ये OH से तो 1-6 होता, अगर इस वाले OH से करता तो 1-2 होता। तो जनरली जो है हमारा उसी हिसाब से एंजाइम भी यूज होता है, कौन एंजाइम कौन सा बॉन्ड टूटता है तो उनके लिए अलग अलग एंजाइम्स भी होते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए अलग अलग, लेकिन हमारा यहाँ पर जो था अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था या 1-4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? हेलो आ रहा है आवाज, आ रहा है कि नहीं? यस सर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है? यस सर। ठीक है, नहीं समझ में तो बोलो नहीं तो आगे बढ़े हम। आ गया सर। आ गया, चलो फिर। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, आप समझ गए। अब यहाँ देखो, एक है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज क्यों बोले क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोज है क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है। अब हम पहला वाले के लिए अल्फा और बीटा बोलते हैं, इसके लिए नहीं, इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर O बना रहा है तो ये 1-4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन जब ये आगे वाले के लिए करेगा तो बीटा बन जाएगा। तो ये 1-4 अल्फा, 1 ये पहला कार्बन का है, चौथा कार्बन का है, 1-4 अल्फा है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, हो गया ना। तो ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल, पैरानोसिल इसलिए बोलेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, पूरा कंपाउंड का नाम है। ये जो है आपको क्या बना रहा है, माल्टोज बना रहा है ना, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, माल्टोज बनाता है, ठीक है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके माल्टोज बनाता है, लैक्टोज जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके बनाता है, यहाँ पर हमने दोनों ग्लूकोज दे रखा तो ये माल्टोज बना रहा है जो डाइसैकेराइड है। तो ये माल्टोज का अगर हम लोग केमिकल नाम देना शुरू करें तो क्या है, पहले इसका नाम बोलेंगे, फिर इसका नाम बोलेंगे, फिर दोनों के बीच में एक बंधन है उसका नाम यहाँ पर भी दे देंगे। तो कैसे देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा है क्योंकि नीचे OH था इसका, अल्फा डी ग्लूको पैरानोसिल, पैरानोसिल की पैरानोस फॉर्म में है, ठीक है, फिर 1-4, यहाँ अल्फा तो हम दे दिए, ये 1-4 है, ये अल्फा बनने का मतलब है कि पहला जो है ये अल्फा फॉर्म में है, फिर 1-4 है इसका 1 कार्बन का और इसका चौथा कार्बन का, ठीक है, अल्फा 1-4 डी ग्लूको पैरानोज स्ट्रक्चर, ये डी ग्लूकोज है, पैरानोज है, तो डी ग्लूकोज पैरानोज स्ट्रक्चर, इसका हमको अभी कोई मतलब नहीं, जब आगे जाएंगे तब देखेंगे। हेमिसिटल बन, ये तो हेमिसिटल, ओके। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, इस बॉन्ड का नाम होगा 1-4 अल्फा डी, ठीक है, ग्लूको सॉरी गैलेक्ट कौन बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो 1-4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यही था ना इस तरह का नाम जो हमने दिया था, 1-4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो आप नाम दे सकते थे इस तरह से। तो अब आप देख लो कुछ कुछ जो है डायसैकेराइड है उनमें कौन कौन सा आपको बॉन्ड होता है,
तो इसमें कहने का जैसे सुक्रोज, सुक्रोज तो हमने बताया कि एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज का यहाँ पर दूसरा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उससे रिएक्शन करता है ग्लूकोज, ना कि चौथा। फ्रुक्टोज का कैसा होगा स्ट्रक्चर? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, होगा ना, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर OH ग्रुप होता है, यहाँ पर ये जो दूसरा कार्बन है फ्रुक्टोज का, इसका OH से रिएक्शन करता है आपको ग्लूकोज का, ग्लूकोज का जो आपको पहला कार्बन का OH जो है ना, तो ग्लूकोज का पहला कार्बन का OH इसके दूसरे कार्बन से, तो ये ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में रहता है उस समय, तो कहलाता है अल्फा 1-2, ठीक है, और ये बीटा फॉर्म में रहता है, यहाँ पर उसका OH रहता है, तो बीटा अल्फा 1-2 बीटा, मतलब बीटा कहने मतलब ये बीटा है, ठीक है, ये सॉरी ये बीटा फॉर्म है, ये इसका OH ऊपर रहेगा, यहाँ नहीं सॉरी ये नहीं दूसरा, इसका मतलब ये ग्लूकोज जो है वो अल्फा फॉर्म में है, अगर बाद में बीटा दे दिए हैं तो ये जो बॉन्ड बना रहा है ना, इसका ये जो बॉन्ड है ये जुड़ रहा है, इसके आपको फ्रुक्टोज के बीटा जो दूसरा हाइड्रोक्सी है ये बीटा वाले स्ट्रक्चर पे है, क्योंकि इसका दूसरा कार्बन ही आपको जो रिंग होता है, दूसरा कार्बन वाला जो होता है ना वही आपको इसमें, यहाँ पर पहले पहला कार्बन तो इसका था ही नहीं, पहला कार्बन तो ऐसे भी आपको उसका ग्लू, आप फ्रुक्टोज में जब चलोगे, फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम लोग, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल कहाँ है, हाँ ये फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज का ये तो कभी भी आपको ये नहीं होता है, हमेशा अब वो नॉन कायरल है, ठीक है, ये कायरल नहीं था, ये दूसरा वाला कार्बन ये था ना आपको, ये आपको जुड़ के कायरल हो रहा है, तो यही वाला जो बंधन रहेगा आपको, यही ये वाला में तो है ही नहीं पहला वाला, जैसे अब हम इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो ऐसे बनता है ना, ये ऐसे होता है, यहाँ पर पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन था, पहला कार्बन कहाँ था, यहाँ था CH2OH वाला है ना, CH2OH है ना, ये CH2OH जो है पहला कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये वाला कार्बन हिस्सा लेगा अब आपको सुक्रोज बनाने के लिए, ये वाला कार्बन का OH अगर नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म है, अगर ये OH ऊपर है तो बीटा फॉर्म में, तो सुक्रोज में ये OH ऊपर रहता है तो बीटा फॉर्म में फ्रुक्टोज रहता है, सुक्रोज जब बनेगा तो फ्रुक्टोज का ये वाला OH ऊपर रहेगा, ठीक है, जब OH ऊपर रहेगा तो वो बीटा फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये बॉन्ड जो है आप फ्रुक्टोज का बीटा, बीटा है ना, बीटा रहेगा, बीटा कहने का मतलब है फ्रुक्टोज बीटा फॉर्म में है, फ्रुक्टोज का OH जो ग्लूकोज के OH से, ग्लूकोज के पहले OH से बाइंड कर रहा है वो बीटा फॉर्म में है, और ग्लूकोज का जो OH है वो अल्फा फॉर्म में है, ठीक है, मैं उसको हम लोग कौन सा बोले थे, एनोमर्स बोल रहे थे, तो एनोमर्स थे अलग अलग, ठीक है, इलेक्ट्रोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का चौथा कार्बन, तो यहाँ चौथा कार्बन में तो एनोमरिज्म होगा ही नहीं, अल्फा बीटा फॉर्म होगा ही नहीं, तो लैक्टुलोज अगर बना रहा है तो गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज बना रहा है, गैलेक्टोज का फॉर्म जो है बीटा वाला रहेगा पहला कार्बन पे, और चौथा कार्बन के लिए हम लोग एनोमरिज्म तो होगा ही नहीं, तो अल्फा बीटा फॉर्म नहीं बोलेंगे उसके लिए, ठीक है, उसी तरह गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर बना रहा है लैक्टोज, तो बीटा 1-4 बॉन्ड है, समझ गए होगे, माल्टोज के लिए ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके अल्फा 1-4 बनाता है, ट्री हेलोज है तो ग्लूकोज ग्लूकोज 1-1 है, तो ये भी एनोमर फॉर्म में रहेगा, ये भी एनोमर फॉर्म में रहेगा, तो अब ये एनोमर में तो कौन सा फॉर्म में रहेगा, अल्फा फॉर्म में, मतलब जब भी हम एनोमरिक कार्बन से रिएक्शन करा रहे हैं, देख लो एनोमरिक कार्बन है ना, ये भी इसका एनोमरिक कार्बन है, तब हमें दोनों साइड देना पड़ेगा उनका, वो कौन सा एनोमर है, जैसे यहाँ पर ये दूसरा फ्रुक्टोज के लिए दूसरा कार्बन एनोमेरिक होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमने दिया था, और बाकी सब के लिए हम चौथा चौथा दे रहे थे, तो इसके लिए हमें एनोमेरिक कार्बन नहीं है चौथा, इसलिए यहाँ पर कोई दूसरा एनोमर फॉर्म नहीं दिए, लेकिन जैसे फिर 1-1 आ गया तो ट्री हेलोज जो है अल्फा 1-1 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, सेलो बायो जो है बीटा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, सेलो ये बीटा 1-4 जो पहला जो ग्लूकोज है, ये एक तरह का समझो सेलो बायोज और माल्टोज देखो एक जैसा है, खाली यहाँ पर अल्फा और बीटा फॉर्म का डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को ये, हेलो
तो ये इस तरह से बनने का प्रोसेस है, अल्फा बीटा फॉर्म कैसे बनता है, यही चीज है। देखो ये OH ऊपर था, है ना, ये OH ऊपर है, ये बीटा फॉर्म है, ये एरोमेटिक कार्बन है ही नहीं, तो बीटा इसके लिए बोलेंगे ही नहीं, अल्फा बीटा बोलेंगे ही नहीं। तो ये बीटा लैक्टोज है, लैक्टोज का मतलब ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपको पहला गैलेक्टोपाइरानोसिल है, दूसरा ग्लूकोपाइरानोज है, बॉन्ड बन रहा है। देखो ये बीटा फॉर्म में है, तो बीटा 1,4 बीटा, बीटा 1,4 बीटा बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी तरह सुक्रोज में ये अल्फा, और ये सुक्रोज का हम उल्टा कर दिए, उधर घुमा दिए, ये दूसरा कार्बन इधर नहीं देखिए इधर दिए हुए हैं, तो दूसरा कर पहला कार्बन तो ये था, दूसरा इसका एनोमेरिक कार्बन था, जो पहले कीटोन था बाद में आपको एनोमेरिक कार्बन में बदल गया आपको। तो ये वाला बीटा फॉर्म में है, तो अल्फा 1,2 बीटा फॉर्म है, बोलेंगे अल्फा 1,2 बीटा फॉर्म है, क्योंकि दोनों के लिए एनोमेरिक कार्बन जुड़ रहा है, दोनों का एनोमेरिक कार्बन रिएक्शन कर रहा है, तो वहां पर हमें दोनों साइड को बोलना पड़ेगा। और इसका जैसे ट्री हेलोज है, ट्री हेलोज में 1,1 बना रहा है, ये पहला कार्बन और ये पहला कार्बन, दोनों ग्लूकोज का पहला कार्बन, तो दोनों ग्लूकोज का पहला कार्बन क्या है, एनोमेरिक है, तो दोनों के लिए बोलना पड़ेगा अल्फा 1,1 अल्फा, अल्फा 1,1 अल्फा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें ट्री हेलोज में, क्लियर है। अदर डायसैकेराइड्स आप देख लो, माल्टोज है, माल्टोज में बीटा 1,4 है, ये बीटा फॉर्म में है, बीटा नहीं सॉरी अल्फा फॉर्म में, अल्फा में है क्योंकि OH नीचे था, ऐसे जब बॉन्ड बन रहा है तो वो अगर अल्फा बनाना होगा तो सॉरी अल्फा है ना, और बीटा बनाना होगा तो यहाँ से वो आएगा, ठीक है बॉन्ड। तो ये आपको अल्फा, ये फोर्थ कार्बन है, पहला कार्बन ये तो ओ के बगल वाला कार्बन रहता है पहला कार्बन, तो ये कार्बन तो एनोमेरिक है, तो ये एनोमेरिक नहीं है, तो 1,4 अल्फा 1,4 माल्टोज में, अल्फा 1,4 दोनों ग्लूकोज है। उधर सेलो बायोज में, ठीक है, सेलो बायोज में ये है बीटा 1,4 माल्टोज, माल्टोज और सेलो बायोज एक जैसा, दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज हाँ, लेकिन सिर्फ ये बॉन्ड का डिफरेंस है, सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस होने के कारण मॉलिक्यूल ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो माल्टोज है, सेलो बायोज है, बीटा अल्फा 1,4 बीटा 1,4, ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया, आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। हाँ तो अगले क्लास में हम खत्म कर देंगे अब आपको पॉलीसेक्राइड, ओके समझ में आया, पॉलीसेक्राइड शुरू कर दें।